डायस्पोरा नु असी समझिए, डायस्पोरा नु असी पछाणिए लोकां दे थ्रू या लोकां दे कल्चर दे थ्रू या लोकां दा एक्सपीरियंस या उन्हां दी जिंदगी है या लाइफ है उहदे थ्रू। एक जिहड़ा दूसरा पहलू है वो हैगा कि डायस्पोरा नु एकेडेमिकली कि मैं समझदा कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं एक यूनिवर्सिटी है ते इत्थे इन्हां दोनों चीजां दी ही लोड़ है, खास करके डायस्पोरा नूं एकेडेमिकली समझण दी ज्यादा जरूरत है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि असीं सिर्फ डायस्पोरा नूं अपने लिए नहीं समझदा। डायस्पोरा या डायस्पोरिक एक्सपीरियंस या जिहड़ी डायस्पोरा एज ए डिसिप्लिन की है, ये ना सिर्फ असीं आप समझना बल्कि दूसरियां नूं समझाना भी है। दूसरी गल मैं ये करना चाहवांगा कि अगे असीं इहदे बारे की सेध लै सकते हैं। मैं समझदा कि कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम रही है। इट्स कॉल्ड एन एरिया स्टडी। सेकेंडली एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है। पंजाबी डायस्पोरा की आप गल कर रहे हैं तो उहदे विच किते पंजाबी डायस्पोरा नूं प्लेस जरूर करना पएगा, किते उहदा मॉडल जरूर क्रिएट करना पएगा कि आफ्टर ऑल उहदी मॉडल की है, उहदी पैराडाइम की है, उहदी डेफिनेशन की है या उहदी थियोराइजेशन की है। एक गल ठीक है कि पंजाबी डायस्पोरा नूं किसी किस्म का उस तरह का प्रेशर नहीं सीगा या उस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं सी जिहड़ी असीं ज्यूज या पैलेस्टीनियंस या कालियां दे नाल एसोसिएट करते हैं। तो एक सुखावा जिहा एक्सपीरियंस पंजाबी डायस्पोरा का रहा है कि दे हैव गॉन वॉलंटैरली, दे हैव गॉन ड्यू टू देयर ओन चॉइस। पर जो गल परसों दर्शन सिंह कारला होरां ने कही सी, मैं उहदे नाल सहमत हाँ कि दुखांत है, पंजाबी डायस्पोरा च दुखांत हैगा। चलो पंजाबी डायस्पोरा की गल एक मिनट लई जे आपां इह समझण की कोशिश करिए कि इहदी जिहड़ी रूटडनैस है, आफ्टर ऑल पंजाबी जिवें भी बाहर गए जिथे भी गए उहदी रूटडनैस एक हिस्टोरिकल रियालिटी दे विच है। वो हिस्टोरिकल रियालिटी चाहे तुसीं ये कह लो कि इट इज बिटवीन कलोनियलिज्म एंड डायस्पोरा और बिटवीन पोस्ट कलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन है, या उहदी जिहड़ी बैकग्राउंड हैगी है सारी उहनूं असीं एम्पायर नाल जोड़ लईए या ब्रिटिश एम्पायर नाल जोड़ लईए। गल मैं चाहूंगा वो ये है कि सानूं इक गल ते गौर थोड़ा करना चाहिए कि जिहड़ा कॉन्सेप्ट ਅਸੀਂ ਥਿਅਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਟੈਕਸਚੁਅਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਟੈਕਸਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਟੈਕਸਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਏਰੀਆਜ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।